नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोग के साथ में एक और मैनिफेस्टेशन की बहुत ही बेस्ट टेक्निक शेयर करने वाली हूँ। गले में थोड़ी सी खराबी है, इसे आवाज थोड़ी अलग आएगी, पर जिसको आप इग्नोर कीजिएगा। तो दोस्तों आज की जो मैं मैनिफेस्टेशन टेक्निक बता रही हूँ, ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक है जो कि 11 ही दिनों में अपना रिजल्ट आपको दिखा देगी। 11 ही दिनों में अगर आप अपने किसी भी विश को फुलफिल करना चाहते हैं, किसी भी इच्छा को पाना चाहते हैं, कोई भी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। करना क्या है, आसान सा काम है, कैसे करना है, क्या करना है, कब कब करना है, ये पूरा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आपकी विशेष को फुल करने के लिए, आपकी विशेष को जल्दी से पाने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन रास्ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मगर उससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लो, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे और आप कोई भी जानकारी मिस ना कर दे। तो दोस्तों ये जो मैं आपको टेक्निक बताने वाली हूँ, ये है वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक। जी हाँ, पानी के इस्तेमाल से हम हमारी इच्छा को पूरी करेंगे। अब पानी का इस्तेमाल कैसे करना है, तो हमें क्या करना है, हमें ले लेना है एक कांच का ग्लास। ठीक है, कांच का ग्लास लेंगे तो ही बेनिफिशियल है ये। दूसरा भी ग्लास आप ले सकते हैं, स्टील का, तांबे का, पर सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है कांच का ग्लास। ठीक है, कांच का ग्लास आपको ले लेना है। आप कहेंगे कि कब करना है इस टेक्निक को, तो इस टेक्निक को आपको करना है दिन में कभी भी। सिर्फ 5 मिनट का समय लगेगा, 5 मिनट का ऐसा समय जिस समय आपको कोई डिस्टर्ब ना करता हो, कोई परेशान ना करता हो, आप सबसे फ्री हो, आपको कोई काम ना हो, कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, ऐसा कोई भी 5 मिनट का समय आप निकाल सकते हैं। वो समय सुबह का हो सकता है, वो समय शाम का हो सकता है, दिन का हो सकता है, रात का हो सकता है, कभी भी आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, अब एक कांच का ग्लास ले लेना है, इसमें ले लेना है पानी। ठीक है, और दिन का लेना है ऐसा समय जब आप बिल्कुल फ्री है। ठीक है, अब आपको इस चीज को किसके साथ करना है, कैसे करना है, तो पूरे विश्वास के साथ करना है, पूरी श्रद्धा के साथ करना है, और कोई भी मन में डाउट नहीं होना चाहिए। अपने इष्ट पर, अपने भगवान पर पूरा भरोसा होना चाहिए। 0% की भी नेगेटिविटी अगर अंदर है तो ये टेक्निक काम नहीं करेगी। पूरी पॉजिटिविटी के साथ आपको इसे करना है। तो अब हमने एक ऐसा समय ले लिया है जिसमें हम पूरी तरह से फ्री हैं। ठीक है, हमारे साथ में हमने कांच का ग्लास ले लिया है जिसमें है पानी। अब हमको एक शांत जगह पर बैठ जाना है। वो जगह आपका घर में कोई भी जगह हो सकती है, आपका रूम हो सकता है, आपके भगवान का घर हो सकता है, भगवान का कमरा हो सकता है, या कोई भी ऐसी जगह, छत पे कर सकते हैं, मतलब एकांत में आपको करना है जहां पर कोई भी डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, अब आपको इस कांच के ग्लास को जिसमें आपने पानी लिया है, इसको अपने नजरों के सामने रख लेना है। ठीक है, और एक और चीज बता दूं कि ये जब हम टेक्निक करेंगे तो हमें एक ही विश के साथ में इस टेक्निक को करना है। ठीक है, एक बार में एक ही विश लेंगे, वो पूरी हो जाएगी, फिर हम अगली विश लेंगे। ठीक है, एक विश के लिए हम 11 दिनों तक काम करेंगे, उसके बाद में हम उस विश को छोड़ देंगे और फिर अगली विश के लिए काम करेंगे, क्योंकि 11 ही दिनों में वो विश पूरी हो जाएगी अगर आप प्रॉपरली जैसी मैं मेथड बता रही हूँ, जैसी प्रोसेस बता रही हूँ, उस तरह से करेंगे। 11 दिनों में वो पूरी हो जाएगी, उसके बाद में हम दूसरी विश के लिए काम करेंगे। ठीक है, तो हम एक विश जो सबसे ज्यादा अर्जेंट है, जिसे हम सबसे पहले पूरी करना चाहते हैं, पहले वो आप सोच लेंगे। ठीक है, पानी का ग्लास सामने रख लिया है, एकांत जगह पर हम बैठ गए हैं, कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, दिमाग के जो छोटे मोटे ख्याल है वो भी दूर जा चुके हैं, और अगर कोई छोटे मोटे ख्याल आ भी रहे तो उन्हें वहीं पर रोक दें, कहें बाद में आना, बिल्कुल दिमाग को शांत कर लेना। दिमाग को शांत करने के लिए क्या करना है, 10 टाइम इनहेल एक्सहेल करना है। ठीक है, डीप ब्रीथिंग करना है, डीप ब्रीथ आउट करना है। ठीक है, ध्यान से आपको ऐसा आप 10 बार करेंगे, गहरी सांस लेंगे, गहरी सांस छोड़ेंगे, तो 10 बार ही आप करेंगे तो आपका दिमाग बिल्कुल शांत हो जाएगा, दिमाग के ख्याल आना दूसरे बंद हो जाएंगे। गहरी सांस लेने और छोड़ने के बाद में अब आपको अपनी नजरें पूरी तरह से, वो जो कांच का ग्लास आपने लिया है, वो जो पानी लिया है, उस पर अपनी नजरें टिका लेना है। ठीक है, नजरें टिकाने के बाद में आपको सबसे पहले अपने यूनिवर्स से ग्रेटफुल होना है, उन्हें ग्रेटफुल कहना है। कैसे, क्यों, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत कुछ दिया है। माना कि आपकी जिंदगी में अभी कई सारी कमियां हैं, पर ये जो सांसें चल रही है, क्या ये कम है? ये जो आप बोल रहे हैं, क्या ये कम है? आप सुन रहे हैं, क्या ये कम है? बाहर बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारी दुविधाएं हैं, ये सब आपके पास नहीं है, और जो है उन्हें वो दूर करने वाले हैं। एक एग्जांपल लूंगी कि मेरा जो पार्टनर है उससे मेरी शादी हो जाए, उससे मैं बहुत ही जल्दी शादी करना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं, मान लीजिए उसका नाम आशीष है, मैं अपने हस्बैंड का नाम लेके बताती हूँ, मैं आशीष से बहुत प्यार करती हूँ, हम दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, हम दोनों एक दूसरे से मिल चुके हैं, हम दोनों का साथ हो चुका है, हमारी शादी हो चुकी है, हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, हम दोनों साथ में रहते हैं, जो भी, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं जो कह रही हूँ वो आप करें। आप अपनी अफर्मेशंस आप खुद बनाएं, जो आप खुद चाहते हैं अपने जीवन में, अपने जो इच्छा है उसको लेकर वो अपनी अफर्मेशंस आप खुद दें, उस पानी को आप खुद कहें।
ठीक है, अपनी सारी अफर्मेशन कह दे, प्रेजेंट फॉर्म में कहना है, इस तरह से कहना है, ऐसा लगना चाहिए कि वो चीज आपको मिल चुकी है और आप उसके लिए बहुत खुश हैं। जब वो चीज आपको एक्चुअल में मिल जाएगी तब आप कितने खुश होंगे, उतना खुश होकर आपको वो सारी चीजें कह देना है और फिर कहना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ये सारी चीजें मुझे अपने जीवन में देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू भगवान को। और झट से उस पानी को, ग्लास को उठाकर आप उस पानी को पी लेना है, पूरा पानी आपको पी जाता है, आप खुद देखेंगे एक जादू की तरह काम करेगी ये टेक्निक। ये टेक्निक आपको लगातार 11 दिनों तक करना है, सिर्फ 11 दिनों तक डेली 5 मिनट इसे करना है। पीरियड्स में भी आप कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, बस याद रखना है आपको इसे रोज करना है, एक भी दिन आपको छोड़ना नहीं है। अगर एक भी दिन छूटता है तो गिनती फिर से एक से शुरू होगी, ठीक है। किसी भी समय कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आज अगर 5 बजे करिए तो कल भी 5 बजे करें, नहीं, दिन में कभी भी फ्री होके, जब भी आप फ्री होते हैं तब करें, पर बस रोज करें, 11 दिनों तक करें और फिर आप रिजल्ट खुद देखें। बहुत ही मिरेकल आपके साथ में होने लग जाएंगे, आपकी विश पूरी जरूर हो जाएगी। और जब एक विश पूरी हो जाएगी फिर आप एक या दो दिन की गैप दें, उसके बाद में अगली विश के लिए काम करें। बहुत ही मेडिकल की तरह काम करेगी आपके लिए टेक्निक, आप जरूर ही अपनी चीज को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। इस टेक्निक को जरूर कीजिएगा और फिर कोई कंफ्यूजन अगर रहता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगी। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए, आपके लिए हेल्पफुल रहे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और भी कईयों के साथ में शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर हम हमारी इच्छा पूरी कर रहे हैं तो दूसरे की भी अगर पूरी करेंगे तो यूनिवर्स हमारी इच्छा जल्दी पूरी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूंगी आपके साथ नई किसी वीडियो के लिए, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, ढेर सारा प्यार कीजिएगा खुद से भी और मुझसे भी। बाय बाय।